So today we will discuss some applications of trigonometry. Means हम trigonometry का use कहाँ करते हैं? Ma'am, how many chapter completed? We have completed 5 chapters. First 4 and trigonometry. Okay, this is 6 chapter. So in today's class we will discuss what are the applications of trigonometry. Means अब real life में trigonometry हम कहाँ use करते हैं? So for example. This is a mountain. Okay. तो पहले से हम concept clear कर रहे हैं यहाँ mountain आपको visible है हमें कौन बोल रहा है ये हम रवि ओके रवि आप क्या बोल रहे हो हम height measure करने के लिए trigonometry का use करते हैं daily life हाँ very good ठीक है सो हाइट मेजर करने के लिए अब जैसे यहाँ पे आपकी माउंटेन की अगर हाइट आप मेजर करते हो तो ये बहुत ही जैसे लार्ज होगी है ना ये बहुत लार्ज होगी तो ऐसे आप मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर सकते ऐसे ओके तो इसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं आपको पता है बेस पता हो आपको या कोई एक एंगल पता हो तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में आपने ट्राइंगल में आपने काफी चीजें की है ट्राइंगल में अगर आपको एक एंगल 90 डिग्री तो होता है एक एंगल और अगर दो एंगल्स में से एक एंगल आपको पता हो और या तो आपको बेस बताओ ठीक है तो भी हम हाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप हाइट फाइंड करने लगोगे तो यहाँ पे मुश्किल है ना इसकी हाइट फाइंड करना इसमें हम यूज कर सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे आपको रिवर दिख रहा है इसमें भी इसकी अगर आप डेप्थ देखोगे कि कितना है तो ये भी आपके लिए ऐसे नहीं अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए टफ होगा ओके तो ये सब हम एंगल से एंगल की हेल्प से फाइंड कर सकते जैसे ये आपके पास आईफिल टावर इसमें भी इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि आप यहाँ पे ऐसे खड़े होके तो नहीं चेक कर सकते बट यहाँ आप बेस फाइंड कर सकते हो है ना बेस कितना है ये फाइंड कर सकते हो और किसी भी पॉइंट से आईफिल टावर का एंगल कितना है ओके तो एंगल तो बेस पे बन रहा है जो बेस वाला एंगल है हम वो फाइंड कर सकते हैं अभी सबको स्क्रीन विजिबल है क्या एक बार ये बताओ yes, ओके विष्णु तो आप yes, ma'am, अब आ गई मैम अब आ गई मैम आ गई मैम ओके ओके सो देखो यहाँ पे अगर इसकी भी अगर आपको हाइट है तो हाइट तो बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे आपको मेजर करने में प्रॉब्लम होगी सो वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्री बाय मेजरिंग द एंगल क्योंकि एंगल आपका बेस पे बन रहा है ना आप उस एंगल को फाइंड कर सकते हो और बेस हम मेजर कर सकते हैं तो अगर आपको दो चीजें पता है तो आप हाइट फाइंड कर सकते हो तो इन सारी चीजों में हम यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लियर अब यहाँ पे ये भी जो भी हमने अभी ये पिक्चर्स देख रहे हो आप इन सब में हमें क्या चाहिए हाइट्स एंड डिस्टेंस विच कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री ओके तो उससे पहले हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए फर्स्ट इज लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ साइट क्या होती है ये डिस्कस करेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये चार पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये डिस्कस करते हैं ओके चलो लाइन ऑफ साइट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लाइन ऑफ साइट सो यहाँ पे आप यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे एक बॉय है और यहाँ पे काउ है ठीक है अभी एक दो स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगी पराक्रम और ये सिद्धार्थ मानसी आप भी वीडियो ऑन करो अपना ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बॉय है ना ये ऑब्जर्व कर रहा है काउ को ठीक है ऐसे ऑब्जर्व किया जो ये साइट है ये जो आपको एरो दिखाई दे रही है ना इसको हम क्या बोलेंगे लाइन ऑफ साइट ठीक है ये क्या हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट होगी इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट मींस जहां से वो स्टार्ट करता है ना जिस पॉइंट से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है तो जो वो लाइन है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट क्लियर सिमिलरली अगर यही कुछ और चीज ऑब्जर्व कर रहा है अभी ये काउ को ऑब्जर्व कर रहा था ओके अब कर रहा है ऑब्जर्विंग नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द डोर ऑफ द ट्री हाउस ठीक है तो इस डोर को ऑब्जर्व कर रहा है तो इस केस में आपकी लाइन ऑफ साइट ही हो जाएगी क्लियर ये आपकी क्या होगी लाइन ऑफ साइट सिमिलरली अब किसी और चीज को अगर ऑब्जर्व कर रहा है लाइक नीचे देख रहा है ठीक है फ्लावर्स को तो नाउ दिस इज लाइन ऑफ साइट क्लियर सबको लाइन ऑफ साइट क्लियर है ना क्या होती है नाउ अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं जैसे वो ये एप्पल को ऑब्जर्व कर रहा है
तो ये आपकी क्या हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे ना स्टेटमेंट पढ़ के, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, कि उसमें गिवन होगा कि वो कहाँ देख रहा है, अप देख रहा है या डाउनवर्ड देख रहा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन रीड करोगे तब। दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, तो ये सारे क्या हो गए आपके लाइन ऑफ साइट हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये एक ये बॉय है, ठीक है। अब ये अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्री को यहाँ से नीचे डायरेक्ट, तो ये तो आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। और जो ये लाइन ऑफ साइट अभी आपको फिगर में कैसे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। आप सबको पता है, देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल ना, यही हॉरिजॉन्टल होता है। और वर्टिकल क्या होता है आपका, ये अगर जनरल टर्म्स में हम बात करें तो ये क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, राइट। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये हो गई है, एंड अब हम ये देखते हैं कि ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसमें ये ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द ट्री, बिल्कुल टॉप पे देख रहा है, ओके क्लियर है। यहाँ पे ये हाइट, ये तो हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, जिस पॉइंट से उसने ऑब्जर्व किया और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल है, ये क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, इसमें देखो कई कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। जब कोई ऊपर देखता है ना, नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं, उस केस में आपका जो एंगल बनता है ना, जिस पॉइंट पे और बनेगा कहाँ पे, हमेशा एंगल वहां बनता है जहां आप देख रहे हो जहां से। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे सोचते हैं कि ये भी हो सकता है। अब ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो 90 है, आप सबको पता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो। एलिवेशन मींस व्हेन यू सी अपवर्ड्स, यस मैम। और जो ऊपर से जो बनेगा मैम, वो डेविएशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यहाँ पे आप देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। या बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है, या आप बोल सकते हो व्हेन ए पर्सन इज ऑब्जर्विंग थिंग्स अबव इट्स हाइट, मींस वो ऊपर देख रहा है, उस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, थीटा यहाँ पे बन रहा है, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन बोल रहा है, सिद्धार्थ? ओके, किसी को डाउट है क्या अभी, क्लियर है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है सबको। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, नीचे देखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, विच इज पैरेलल टू बेस, जो भी होगा आपके उस बेस से पैरेलल होगी। अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, देखो फ्लावर्स, क्लियर, मींस डाउनवर्ड्स देख रहा है इस केस में, ओके। सो ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में एंगल बनता है हमेशा, एंड नाउ दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, डिप्रेशन, मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन। इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन, या आप डाउनवर्ड्स देखोगे उस केस में बनेगा डिप्रेशन। क्लियर हो गई सारी टर्म्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहा है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर अपवर्ड ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। डाउनवर्ड इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों, देखो ये हो गया लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप इसी फिगर से सारी चीज क्लियर कर सकते हो, इसमें सारे पॉइंट्स आ गए जो हमारे सारे इंपॉर्टेंट है ना, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर है। तो आप एक याद रखना बस, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, व्हेन वी सी अपवर्ड्स, बस दूसरा आपको याद रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना एलिवेशन और डिप्रेशन में, ओके। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इससे पहले कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो भी हाइट्स होती हैं आपकी, ऑल द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज towers, trees, buildings shall be considered as a line segment perpendicular to the ground. इस क्वेश्चन में गिवन है दैट हाइट ऑफ टावर इज, तो हाइट ये जो भी होगी वो हाइट स्ट्रेट लाइन होगी, और यहाँ पे हाइट आपको पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बेस, सबको पता है ना हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बेस। सिमिलरली
किसी भी की हाइट हो, आप टावर की हाइट हो, ट्री की हो, बिल्डिंग्स की, जिसकी भी हाइट होगी, हम उसको क्या करेंगे, कंसिडर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड और टू द बेस, तो परपेंडिकुलर होगी, क्लियर, लाइक दिस। अगर यहाँ पे टावर है तो ये क्या आपकी परपेंडिकुलर है टू द बेस और ग्राउंड। सिमिलरली इफ देयर इज एनी ट्री, so this is also its height is also perpendicular to the ground. now if there is any building, तो इसको भी हम क्या consider करेंगे कि ये perpendicular है, okay? and the height of the observer is neglected if it is not given in the problem. means observer की height आपको नहीं, उसमें ये नहीं है कि height क्या होगी observer की, अगर given है तो आप वो question में given होगी तो हम वो use करेंगे, otherwise height of observer क्या होगी, एक point होगा, जैसे यहाँ पे एक person है, okay? तो अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, देखो मैं यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ऐसे फिगर गिवन है तो मैं इसको क्या कंसिडर करूंगी, एक पॉइंट, ये पॉइंट है, एक पर्सन जो है यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ऑब्जर्व कर रहा है हेलीकॉप्टर को, तो फिगर जब आप ड्रॉ करोगे ना तो ऐसे ड्रॉ करोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है दैट हाइट ऑफ द पर्सन इज, जो भी गिवन नहीं है, अदरवाइज अगर गिवन होगी तो आप ऐसे करोगे फिगर ड्रॉ, जैसे ए बी, ए बी बी द हाइट ऑफ पर्सन, उस केस में हम ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे, क्लियर है, जब गिवन होगी तभी आप ऐसे ही करोगे, अदरवाइज ऑब्जर्वर को हमें क्या लेना है, पॉइंट, पॉइंट कंसीडर करना है। देखो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी फिर, पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होगी ना, देखो पॉइंट तो पॉइंट ही रहेगा, आप ट्रायंगल जब जैसे ये कोऑर्डिनेट की तरह ऐसे हो गया ना, देखो फिगर ऐसे बनेगी आपकी, ट्रायंगल ही तो बनेगा, वर्टिसेस, वर्टिसेस हो गया ना, वन ऑफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, वो वर्टिस की तरह करेगा, ओके, क्लियर है ये पॉइंट्स? यस मैम। चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, पहले आपको फिगर बनानी है, ओके, सो सर्कस यहाँ पे देखो आर्टिस्ट गिवन है ना, आर्टिस्ट आपने पॉइंट कंसीडर किया, ये आर्टिस्ट हो गया, ऑब्जर्वर, नाउ ही इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो रोप आपको भी पता है सर्कस में ऐसा नहीं है, रोप स्ट्रेट नहीं है यहाँ पे, विच इज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस नेक्स्ट लाइन से क्लियर होगा, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, तो यहाँ पे पहले आप पोल ड्रॉ करो, This is vertical pole, okay? इससे stretched है, तो यहाँ से ऐसे होगी ना, clear है? अभी हम mention करेंगे सारी चीजें क्या क्या है, This is A, B, C. ये आपकी फिगर है, अब आपको इसमें जो भी गिवन है ना, जैसे ए बी क्या है, ये सब हम क्लियर करेंगे कि ए बी आपको पहले लिखना है कि ए बी क्या है, okay? So you will write, let AB be the pole. जो भी ये सारी चीजें हम यहाँ पे mention करेंगे, पहले AB is the pole and AC is the long rope. AC is the rope. Clear? यहाँ से clear है, यही दो ही चीजें है ना आपकी given इस question में, तो आपको कितनी height given है इसकी, लेंथ ऑफ रोप कितनी गिवन है, 20 मीटर मींस एसी इज 20 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल, तो आपको ए भी फाइंड करना है, और एक चीज और गिवन है, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, किससे बन रहा है आपका एंगल, रोप से, दिस इज रोप विद द ग्राउंड, तो यहाँ पे एंगल होगा, रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल, देखो ये आपको स्टेटमेंट अच्छे से रीड करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, सो दिस इज, ओके, एंड दिस इज ग्राउंड, सो इनके बीच में जो आपका एंगल बन रहा है दैट इज गिवन 30 डिग्री। क्लियर है फिगर, सबको क्लियर है? यस मैम। एंड दिस इज पोल, तो स्टार्टिंग में आपको मेंशन कर रहा है जो भी आप ले रहे हो ना, जैसे ए बी बी द पोल एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ रोप, यहाँ पे आप लिख सकते हो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए बी, क्लियर, ए बी फाइंड करना है ना हमें, और आपको एक एंगल गिवन है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं, तो मैंने
समझाने के लिए आपको लिखा है. सो व्हाट इज एसी हियर सेंटीमीटर. हाँ कौन बोल रहा है सिद्धार्थ. मैम बेस इज आल्सो नॉट गिवन. हाँ नॉट गिवन यस बट वी कैन फाइंड ए बी बाय यूजिंग दिस एंगल एंड ए सी. तो आप मुझे बताओ भी कैसे फाइंड कर सकते हैं. अभी आप बताओ हाइट आपको फाइंड कर रही है ना ए बी. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम. मैम पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा मैम. वन बाय वन आंसर करो. जिसको पता है वो बताओ कैसे कर सकते हैं. हाइट आपको फाइंड करने है. एक एंगल गिवन है और एक साइड. दो ही चीजें गिवन है. बताओ. देखो अब हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में. ओके अब आपको रेशियो देखो हाइट क्या है. व्हाट इज ए बी. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है. अभी ये हम थोड़ा डिटेल में करेंगे. ए बी इज परपेंडिकुलर राइट. ए बी क्या आपका परपेंडिकुलर है. एंड बी सी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज. सो आपको क्या गिवन है. हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो होता है ये बताओ. मीन्स चाहे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उस रेशियो का आप नाम बताओ क्या होगा. आप ट्राई करना. देखो सबसे पहले साइन थीटा. साइन थीटा के अंदर मैम साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके सो मैं यहां पे एक बार लिख रही हूं. देखो पी बी पी साइन कॉस. हम ट्राई करते हैं कि साइन कॉस और टैन ही यूज करें. जब तक आपको जरूरत पड़ेगी ना इन तीनों से हो जाता है. आपको यहाँ पे कॉसेक सेक और कॉट की जरूरत नहीं पड़ती है. तो हम साइन. अब रेशियो देखो आपको क्या गिवन है. ए बी आपको फाइंड करना है मींस परपेंडिकुलर फाइंड करना है एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है. तो यही दो साइड्स का रेशियो चेक करते हैं. तो दिस इज साइन है ना. साइन है. सो आई कैन राइट इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 degrees इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ यहाँ पे कि मैंने साइन 30 डिग्री क्यों लिखा है. ए बी बाई ए सी क्लियर है. यस यस मैम. एनी डाउट. ओके सो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि हाँ मैम किसी को एनी डाउट. कोसेक को भी एच अपॉन पी होता है. हाँ कोसेक कर सकते हैं बट ये जो तीन एंगल्स होते हैं ना ये आपके प्राइमरी एंगल्स होते हैं. हम यही लेते हैं. उससे भी आंसर करेक्ट होगा. ओके बट आप ट्राई करना है इन्हीं से ही करना है. साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे और इक्वल टू उससे भी आंसर सेम आएगा. तो आप ए बी की वैल्यू एच अपॉन में ठीक है विष्णु 20 ये प्राइम एंगल्स ही हम यूज करेंगे. ओके सो साइन 30 कितना होता है. आप वैल्यू पुट करो. अभी सबकी वैल्यू पुट करो. दिस इंप्लाई साइन 30 की वैल्यू क्या होगी. साइन 30 की ए 1/2 होती है. ए बी इज एच एंड ए सी इज 20. सो व्हाट इज हाइट 10 मीटर. क्लियर है सबको. यस मैम. ओके तो आपको क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट आपको क्या करना है. फिगर ड्रॉ करनी है. उसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आप किसको क्या लेट कर रहे हो. उसके बाद हमें ये चेक करना है गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है. फिर उस वो भी आपको दो हमेशा दो ही साइड का रेशियो चेक करना है. और फिर जिस साइड का वो रेशियो होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम जो साइड आपको फाइंड करने हो फाइंड कर सकते हैं. सो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए किसी भी ट्राइंगल में. ओके एनी साइड और एनी वन एंगल. 90 तो आपको गिवन होता है. ठीक है तीन साइड्स में से कोई भी आपको एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं उस ट्राइंगल का. मीन्स एनी साइड और एनी एंगल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ये नोट हो गया सबका. यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. ओके काइट फ्लाई कर रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 degrees. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. मीन्स क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है. एक बार आप ट्राई करो खुद से फिगर ड्रॉ करना. ट्राई करो.
सिद्धार्थ नेटवर्क इश्यू है क्या, आप बार बार ज्वाइन कर रहे हो? यस मैम। ओके चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट लाइन में आपको गिवन है दैट काइट इज फ्लाइंग, ओके जिसका बन गया ठीक है। अभी आप मैच करना अपना, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी अभी आप काइट को तो कहीं भी कंसिडर कर लो, ये पॉइंट है, ये काइट है, ओके एंड दिस इज 60 मीटर। सो यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट लोगे 60 मीटर, सो दिस इज 60 मीटर। नाउ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, ये स्ट्रिंग है, इसको हमने कहाँ पे, यहाँ ग्राउंड पे टाई कर दिया है, ओके दिस इज स्ट्रिंग। नाउ द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन किससे, ग्राउंड से, कितना गिवन है आपको 60 डिग्री, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 60 डिग्री, क्लियर। और आपको देखो लास्ट लाइन में क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, क्योंकि आपकी जब स्ट्रिंग आप काइट उड़ाते हो तो जरूर तो नहीं है वो स्ट्रेट ही हो, कई बार ऐसा हो सकता है थोड़ा सा ऐसे कर भी हो रहा हो या कहीं से कुछ भी हो रहा हो, मुड़ रहा हो ना। तो उसने ऐसा बोला है कि हमें क्या अज्यूम कर रहा है कि देयर इज नो स्लैक, वो एकदम स्ट्रेट है ऐसे, क्योंकि ऐसा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है इस केस में, बिल्कुल स्ट्रेट है। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है ना आपको। सो ए बी सी, सो हेयर लेट पॉइंट ए डिनोट्स द काइट, ओके देन ए बी इज 60 मीटर एंड ए सी विल डिनोट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अभी आंसर मुझे नहीं पता क्या है, जो भी होगा आप मैच करना, ओके विष्णु। सो एसी इज स्ट्रिंग, एसी इज स्ट्रिंग। नाउ यू विल राइट इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या क्या गिवन है, देखो इस बार आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, और आपको फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो दिस इज स्ट्रिंग, इस बार भी आपको हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना है। तो फिर से हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का ही ना, क्लियर हो रही है चीजें, जो आपको फाइंड करना है और जो गिवन है उन्हीं दो साइड्स का रेशियो चेक करना है। तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन 60। हाँ जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया है उसको समझ में नहीं आ पाएगा, तो आप एक बार ना ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करके आना, बस बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी आपको। साइन 60 होता है, मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये साइन होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, पी बी पी और एच एच बी, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये आपका साइन होता है। सी होता है कॉस एंड टी इज टेन, इतना भी कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज अब एंगल्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री तो करना पड़ेगा। नाउ साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस आई कैन राइट ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है, तो आप बुक से रीड कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बस पता होना चाहिए, और जो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये तो हम कर ही रहे हैं यहीं पे डिस्कस, तो ये यहीं से क्लियर हो जाएगा। साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, ए बी 60, यू हैव टू फाइंड ए अपॉन में 60, सो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैम पी अपॉन 60 आएगा, क्या बोल रहे हो मैम, पी अपॉन 60 आएगा ना, एसी फाइंड करना है ना, ओके ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसे फाइंड करोगे, देखो इतना नोट हो गया सबका, यस मैम, मैं नेक्स्ट यहाँ पे नोट कर रही हूँ, रूट 3 बाई 2 इज 60 अपॉन एसी, ये आपका आ गया, हमें एसी फाइंड करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसी विल बी, देखो AC will be 2 into 60
और रूट थ्री आप अभी रूट थ्री को वहीं रखो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे. ये क्लियर है, अभी सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. नाउ ए सी विल बी 2 × 60 अपॉन रूट थ्री. क्लियर? सो ए सी विल बी 120 अपॉन रूट थ्री. बट आपको पता है आप रूट थ्री को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हो. सो व्हाट विल यू डू नाउ? स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग नो मैम, कौन बोल रहा है? Mam, if we multiply root 3 into AC, then we get root 3 AC by squaring both sides. Squaring करेंगे, squaring करने से तो आपके पास AC square आ जाएगा. Rationalizing भी कर. हाँ, rationalize करेंगे. हाँ, अभी rationalizing भी कर सकते हैं. Yes, mam. Rationalizing ही करेंगे. Okay. So now AC will be 120 upon root 3 into root 3 upon root 3. Full marks नहीं मिलेंगे अगर आपने denominator में root को छोड़ा. Okay. तो कभी भी आपको रूट दिखता है ना उसको रैशनलाइज करो. सो 120 रूट 3 अपॉन 3 आ गया. नाउ 3 4 इज 12 तो आंसर विल बी 40 रूट 3. मीटर में मैं चेक कर लेती हूं एक बार, जो भी आंसर आपका मीटर में है. सो दिस इज योर आंसर. और क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है ना रूट 3 की वैल्यू भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, अदरवाइज रूट 3 की टर्म्स में ही हम छोड़ेंगे. This is your answer. Clear हुआ सबको? Yes, ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है. नोट हो गया? Yes, ma'am, हो गया. Next question. Doubt होता है तो कोई पूछना है बीच में. ओके चलो. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. You have to find the height of the tower. Figure try karo, aap sab banao pehle. इसमें आपको इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर जिसने करेक्ट ड्रॉ की ना बस, क्योंकि कैलकुलेशन तो है ही नहीं. फिगर बस आपको करेक्ट ड्रॉ करनी है और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. मैं कर लिया. बन गई फिगर? कुछ बच्चों की तो बन गई है ना. चलो अब आपको देखो क्या गिवन है. एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट. तो इस पॉइंट से यहाँ पे लेट दिस ए बी बी टावर. तो अब टावर को एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब नीचे से कोई ऊपर देख रहा है ना, मीन्स इस पॉइंट से कोई ऑब्जर्व कर रहा है क्या, टॉप ऑफ टावर को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ देख रहा है बिल्कुल टॉप पे. ओके सो ये एंगल आपका क्या है, 30 डिग्री गिवन है. दिस इज 90, ए बी इज टावर एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर. ए बी हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है एक चीज और, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये पॉइंट देखो, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो पॉइंट जिससे ऑब्जर्व किया आपने वो कितना अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द पावर टावर, 30 मीटर. ये पॉइंट जो है यहाँ से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वर है पॉइंट सी पे, तो वो कितना डिस्टेंस पे है फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ द टावर आपका पॉइंट बी है. ओके, टॉप ऑफ द टावर क्या हो गया, ए, एंड बी इज द फुट ऑफ द टावर. सो ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 30 मीटर. तो इस बार आपको क्या क्या गिवन है देखो, परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है ना. क्लियर है? परपेंडिकुलर मींस सॉरी बेस गिवन है, लेकिन फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर. सो आपको कौन सा रेशियो यूज करना है, पी और बी का, मींस पी बाय बी का रेशियो. सो लेट ए बी डिनोट्स द टावर, देन ए बी BC is 30 meter. Let AB be H meter. अगर किसी को H let करना है तो करो, otherwise आप direct AB से solve कर सकते हो. So in triangle ABC, बताओ कौन सा ratio check करोगे इस बार. देखो पंडित बद्री प्रसाद हर मैम cos, एक सेकेंड, हर हर बोले, सोना चांदी बोले, sin cos 10. किसका रेशियो है, tan थीटा.
So you will find tan 30 degree, which is equal to P means AB and base is BC. Tan 30 की वैल्यू बताओ. Tan 30 कितना होता है? 1 upon root 3. Okay. AB is H. Sorry, BC is 30. H कितना आ गया आपका बताओ? सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, एच की वैल्यू बताओ. मैम 10√3. ओके वेरी गुड. देखो एच आपका क्या आएगा, यहाँ से पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, मैं सारे स्टेप्स अभी लिख देती हूँ. 30 H√3. तो एच विल बी 30/√3. स्टेप के बाद क्या करोगे, अभी हमने डिस्कस किया था क्या करेंगे, सो दिस विल बी 30√3/3. अब कैंसिल करो आप 10√3, आपकी हाइट क्या आ गई 10√3 meter. एंड में यूनिट लिखनी है और लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखनी है. यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो एंड में आपको लिखना है hence height, hence the height of the tower is 10√3 meter. Height of the tower is 10√3 meter. Okay, अब आपका क्वेश्चन ऐसे आपको कंप्लीट करना है. क्लियर है सबको? यस मैम. ओके नोट करो. डन मैम. मैं डन. डन सबका हो गया ना? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क. उसको टू स्लाइड, उसको मतलब पार्क में किसी टू स्लाइड्स लगानी है, ठीक है. एक स्लाइड होगी एज ऑफ 5 years, बिलो द एज ऑफ 5 years, जिन चिल्ड्रन की एज है बिलो 5 years उनके लिए. तो उनके लिए जो वो स्लाइड बना रहा है उस केस में हाइट कितनी ले रहा है, 1.5 meter, और एंगल कितना होगा 30 degree. एंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, उनके लिए हाइट आपको गिवन है 3 meter एंड एंगल इज 60 degree विद द ग्राउंड. वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. अब आपके यहाँ पे दो हो गए ना, दो स्लाइड्स हो गई. देखो ऐसी स्लाइड होती है, यहाँ पे ऐसे स्लाइड होगी. ये मैंने ले ली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, ए बी सी. सो ए सी स्लाइड है ना, ए सी जो है ना ये स्लाइड शो कर रहा है, और आपकी हाइट कितनी गिवन है 1.5 meter. और एक और स्लाइड है उसमें क्या है, वो बड़े स्टूडेंट्स के लिए है ना, थोड़ा जो जिनकी एज क्या होगी 5 से ज्यादा होगी उनके लिए दूसरी स्लाइड है. P Q R. This is 90 and this is 90. So here, देखो here height is 3 meter. Question में given है. This is 3 meter. Angle given है आपको, यहाँ पे जो angle है वो कितना given है 30 degree and this is 60 degree. Clear? हमें दोनों question में क्या करना है, length of the slide in each case. तो एक part मैं discuss करती हूँ. वैसे तो आप दोनों निकाल ही सकते हो, आपको स्लाइड की हाइट निकालनी है. तो फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, एसी, और सेकंड में पी आर. क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर सर? सॉरी, यहाँ पे क्या करोगे, इन पहले आप मेंशन करो कि आपने क्या लेट किया है. सो इन ट्राइंगल एबीसी, एसी डिनोट्स, let in triangle ABC, AC denotes the slide for the children. Starting में एक लाइन में mention कर देना दोनों की, children below the age of 5 years. So height is, height AB is कितना यूज होगा ना, 1.5 meter. क्लियर है?
ऐसे आप दूसरे के लिए आप खुद करना, तो मैं सिर्फ एक पार्ट कर रही हूँ, सेकंड आपका होमवर्क है। हाइट ए बी इज 1.5 मीटर, आपको क्या फाइंड करना है, एसी। ओके, एसी फाइंड करना है आपको। देखो किसका रेशियो गिवन है, परपेंडिकुलर का गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, हाइट। मैं की तो आ गई मैम, परपेंडिकुलर। कौन सा रेशियो यूज करोगे, पी आपको गिवन है और एच फाइंड करना है, साइन थीटा। साइन थीटा, मैम साइन थीटा। दिस विल बी ए बी बाय ए सी, क्लियर? ठीक है, आप पुट कर दो आप वैल्यू। साइन 30 कितना होता है, 1/2 ए बी आपको गिवन है 1.5 गिवन है, और आपको फाइंड करनी है ए सी। ए सी फाइंड करना, क्या आंसर आ रहा है, 3। थ्री आ रहा है, ओके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ए सी ऊपर चला जाएगा। हम एक की आ रही है मैम 2√3 और एक की 3 मीटर, 2 × 1.5, सो ए सी विल बी 3 मीटर। सेकंड आप फाइंड करना, ओके, वो आपका होमवर्क है। क्लियर है सबको, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, जो सेकंड पार्ट है आप खुद फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक बार try करो आप पहले खुद से। Figure तो बना दिया। फिगर बन गई है, जिसकी फिगर बन गई है ना, आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। अभी मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तो यहाँ पे आपने एक ट्री, यहाँ पे हमने ऐसे इलेक्ट कर लिया, ए बी बी एनी ट्री, ओके। अब वो ब्रेक कर गया है, कहीं से भी ब्रेक कर सकता है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि बिल्कुल सेंटर से या ऊपर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये पॉइंट लेट किया कि सी यहाँ से वो ट्री ब्रेक कर रहा है, ओके। तो जो ये आपको बीसी पोर्शन दिख रहा है ना, और ये नीचे गिर गया यहाँ पे ऐसे ब्रेक होने के बाद, तो मैं ना थोड़ा ऐसे शो करती हूँ कि आपको उतना ही डिस्टेंस विजिबल होगा। ये पॉइंट सी है, ये बी है, तो जो बीसी पार्ट है ये ब्रेक होके ऐसे ही गिरेगा ना, और ये पॉइंट क्या लेट कर लिया, डी। ए बी क्या है आपका, ट्री है, वो ब्रेक हुआ यहाँ से, समझ आ रहा है, ठीक है। तो बीसी पार्ट आपका यहाँ से ऐसे ब्रेक होके ऐसे हो गया, ओके। अब आपको क्या गिवन है, यहाँ पे वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, देखो मेरा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। 8 मीटर क्या गिवन है बताओ, वेरी गुड, एडी गिवन है। देखो कहां से डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, सो फुट क्या हो गया, ए इज फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, उस पॉइंट से वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मींस जो टॉप क्या था, ट्री का टॉप तो बी था ना, वो जब ब्रेक होने के बाद, वैसे ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है अगर, लेकिन मैंने फिगर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे डी लिख दिया है,
अदरवाइज ये डी पॉइंट को आप बी भी शो कर सकते हो, लेकिन आप मुझे ये क्लियर करना था ना कि ए भी पहले ऐसे ट्री था, अब चेंज होके वो ऐसे बन गया, तो मैंने पॉइंट यहाँ चेंज कर दिया डी। अदरवाइज जो ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, ये ऐसे बी वाला ही तो है, ये समझ आ रहा है कि जो बी पॉइंट है वो डी ही है। तो उन दोनों के जो डिस्टेंस है उनके बीच में, दैट इज 8 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो मुझे आप बस ये बताओ पहले कि निकालना क्या है। मैम पी क्या निकालना है? नहीं ऐसे बताओ, साइड साइड के अकॉर्डिंग एसी एसी निकालना है। यस मैम। रॉन्ग है, और कोई बताओ। एसी निकालना है। नो मैम नो मैम, एबी 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 सीडी सीडी। हां एबी निकालना है। देखो आपको एसी प्लस में एडी। हाँ, या तो आप बोलो ये पूरी हाइट है ना ट्री की, या बोल सकते हो एसी प्लस सीडी। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपने लास्ट चैप्टर में क्या होगा, वरना ट्राइंगल्स में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो साइड है आपकी बीसी, जो साइड है जितनी बीसी की लेंथ है उतनी सीडी की लेंथ होगी, क्योंकि वही तो ब्रेक होके गिरा है ना। यस यस मैम। तो पहले हम यहाँ पे नोट करते हैं, लेट ए बी डिनोट्स द ट्री एंड इट ब्रेक्स from point C, then BC is equal to CD. Clear है? BC और CD equal होगा, okay? BC जितना है उतना ही CD होगा. Then height of the tree will be, height of tree is AC plus CD. यही height हो गई ना आपकी, कि मतलब आपको triangle में देखो AC भी find करना होगा और CD भी फाइंड करना होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ द ट्री। एंड आपको गिवन है AD इज 8 मीटर। क्लियर क्लियर है क्वेश्चन? आपको क्या क्या फाइंड करना है? देखो AC भी फाइंड करना है और CD भी। तो पहले हम AC फाइंड करते हैं। AC क्या है? AC इज परपेंडिकुलर। यस मैम। एंड AD इज बेस। तो P by B का रेशियो बताओ क्या होगा? मैम 10:30। मैम 10:30। ओके इतना नोट करो, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड आंसर आ गया 8/√3। ओके सो इन ट्रायंगल, अभी आप मुझे बताना, इन ट्रायंगल ACD क्या है? 10:30। यस मैम। 30 डिग्री एंगल गिवन है। इज इक्वल टू P upon B। P की मुझे वो बताओ साइड क्या है? मैम P की साइड P है और फाइंड करना है और एडी कितना गिवन है? 8 मीटर। सो एसी विल बी 8/√3। इसको हम कैसे चेंज करेंगे फिर से? तो सीडी के लिए आपको क्या चाहिए? सीडी क्या है? हाइपोटन्यूज है। अब आप कुछ भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं नोट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप चाहे तो पी बाय एच यूज करो या बी बाय एच, बिकॉज आपको पी भी पता है बी भी पता है, दोनों चीजें पता है ना अभी, तो साइन भी यूज कर सकते हो, कॉस भी यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज करके अगर आप आंसर निकालते हो ना सेम आएगा। ओके तो किससे ट्राई करें बताओ, साइन से या कॉस से? एज योर चॉइस मैम। ओके तो हम यहाँ पे देखो बेस ही यूज कर रही हूँ मैं, तो कॉस से ट्राई करते हैं, हमने एक भी क्वेश्चन कॉस से किया नहीं है। कॉस 30 कितना हो जाएगा बताओ? कॉस 30 आपको फाइंड करना है। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सीडी रूट थ्री, 8 × 16, सो सीडी विल बी 16/√3। रैशनलाइज करोगे CD will be 16√3/3 meter। Clear? अभी question complete नहीं हुआ है, देखो अभी हम दोनों को add कर देंगे।
अब बस दोनों को ऐड करना है। तो क्वेश्चन समझ आया, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, फिगर आपको सबको समझ आ गई होगी। ए बी ट्री है, यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो आपकी जितनी बी सी है उतनी सी डी, इट मीन्स आपको हाइट ऑफ ट्री क्या निकालनी है, ए सी प्लस सी डी। पहले हमने ए सी निकाल लिया फिर सी डी, नाउ वी विल एड, सो ए सी प्लस सी डी, ये कितनी वैल्यू निकली है, ए सी की वैल्यू क्या है आपकी, 8 root 3 upon 3 and CD is 16 root 3 upon 3, add करो 3 8 root 3 plus 16 root 3, कितना आ गया आंसर, 24 root 3 upon 3, ये आंसर आ रहा है, और सिंप्लीफाई होगा ना अभी ये, सबको क्लियर हो गया, ओके नोट कर लो आप। हाँ, किसको क्लियर नहीं है एक बार बताओ, हम एक बार साइन थीटा से करा दो, साइन थीटा से, यस सेम, चलो यहाँ पे करोगे साइन थीटा, देखो यहाँ पे ही करना है ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सेम चीज साइन थीटा से करो, सेम आएगा साइन 30, साइन 30 कितना हो जाएगा देखो, 1/2 नहीं, यहाँ पे मैं पहले पी अपॉन एच ना, पी कितना है एसी और एच yes, कितना है सी डी, एच तो आपको निकालना है, पी कितना गिवन है बताओ, परपेंडिकुलर 8 upon root 3 यूज कर लो आप, ठीक है, और अपॉन सी डी, यस मैम, ठीक है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 अब इसको मैं देखो रेसिप्रोकल कर रही हूँ, तो 8 into CD upon root 3 हो जाएगा ना, यहाँ से आप चेक करोगे तो वही आ रहा है, 8 to the 16, समझ आ गया ना, सेम ही आएगा, ओके क्लियर है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन से दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है, उसे भी ओके, सबका नोट हो गया, यस मैम, देखो एंड में आपको ऐड करना है, हाँ नोट करो जिसका, कौन बोल रहा है, मैं रवि, हाँ रवि क्या बोल रहे हो, पेपर क्वेश्चन दिखाने है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का आई थिंक सेकंड या थर्ड ही है, एक ही एक्सरसाइज है आपके चैप्टर में, यस मैम, ओके कौन सा क्वेश्चन है बताना, क्वेश्चन है बस उसमें, आई थिंक सेकंड या थर्ड ही क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन सेकंड है, कुछ एक्सरसाइज में की एक्सरसाइज है इसमें, मैम क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके सेकंड है ये, नोट करो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगी एक बार, तो आज हमने जितना क्या रिवाइज करके आना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एक बार हम यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, देखो ये इस केस में अगर ऑब्जर्वर ए है और यहाँ पे कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा है तो ये आपका एलिवेशन हो गया, और अगर ऑब्जर्वर अब यहाँ है और वो नीचे देख रहा है तो आप देखो ऐसे यहाँ पे एंगल मत ले लेना, ये रॉन्ग है, पहले आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले इस पॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करना है, और अब ऑब्जर्वर कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, नीचे, सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एलिवेशन हो गया एंड दिस इज डिप्रेशन, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे डिप्रेशन पे बेस्ड और एलिवेशन दोनों पे, ओके मैम, ओके अब आप ट्राई करना है अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस बुक से,